हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉरर लैंड। और आज मैं आपके लिए जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ, ये एक फ्रेंच हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसका नाम है इनसाइड। इसे 2007 में जूलियन और अलेक्जेंडर बस्टिलो ने डायरेक्ट किया है, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 6.8 आउट ऑफ 10 स्टार्स है। मूवी काफी डिस्टर्बिंग है और इसमें कई सारे डिस्टर्बिंग ग्राफिकल सीन्स है, तो वीडियो अपने रिस्क पर ही देखे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आप कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो मिस नहीं कर पाए। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक प्रेग्नेंट लेडी के पेट में उसका बच्चा है और उसकी माँ ये कह रही है कि वो इस बच्चे के लिए काफी खुश है और वो इसकी देखभाल बहुत ही अच्छे से करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और तभी बच्चे को एक जोरदार झटका महसूस होता है, जो कि कार एक्सीडेंट की वजह से हुआ था। दरअसल एक कपल अपनी कार से कहीं जा रहे थे और उनकी कार का दूसरी कार से बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उस प्रेग्नेंट लेडी का हस्बैंड मारा जाता है और वो भी बुरी तरीके से घायल हो जाती है। लेकिन खुशकिस्मती से उसके पेट में पल रहे बच्चे को कुछ नहीं होता और यहीं से मूवी शुरू होती है। इस घटना के 4 महीने बाद हम उस प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में थी और उसका चेकअप करवा रही थी। इस प्रेग्नेंट लेडी का नाम सारा था, जो अपने पति की मौत के बाद बिल्कुल अकेली थी। डॉक्टर उससे कहते हैं कि उसका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और कल यानी कि अगले दिन उसकी डिलीवरी डेट है। डॉक्टर आगे उससे कहते हैं कि अगर रात में ही उसे लेबर पेन स्टार्ट हो जाए तो उसे किसी के साथ हॉस्पिटल आना पड़ेगा, क्योंकि क्रिसमस ईव होने के कारण एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं रहेगी। हॉस्पिटल से आने के बाद सारा अपनी एक फ्रेंड से मिलती है और उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि वो आज रात उसके घर रुके, लेकिन सारा उसे मना कर देती है और ये कहती है कि अगर उसे कोई ज़रूरत महसूस होगी तो वो उसे बुला लेगी। सारा एक जर्नलिस्ट थी और अपनी प्रेगनेंसी में भी लगातार काम कर रही थी, ताकि वो साथ से और अपने पति की मौत से उभर पाए। फिर वो एक पार्क में अपने कलीग का वेट करती है और उसके आने तक पार्क में खुशहाल कपल के फोटोज अपने कैमरा में क्लिक करती है। और कुछ ही देर में सारा का कलीग भी आ जाता है, जिसका नाम जीन था और वो उसका काफी अच्छा दोस्त भी था। सारा उसे अगले दिन हॉस्पिटल ले जाने का कहती है और अपने घर की चाबी भी उसे दे देती है। फिर जीन अपनी कार से सारा को उसके घर छोड़कर क्रिसमस ईव सेलिब्रेट करने चला जाता है। शाम होने के बाद सारा अपने कमरे में जाती है, जहाँ उसके हस्बैंड के कई सारे फोटोज थे और वो उसे अपने पास महसूस करती है, क्योंकि इस वक्त उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन वो उसके साथ नहीं था। फिर कुछ देर बाद सारा नीचे ड्राइंग रूम में अपनी रॉकिंग चेयर पर उसके होने वाले बच्चे के लिए स्वेटर सिलती है, और सिलते सिलते उसकी चेयर पर ही नींद लग जाती है और उसे काफ़ी भयानक सपना आता है, जिसमें उसका बच्चा उसके मुँह से बाहर आता है। और ये सपना भी काफ़ी डिस्टर्बिंग था, जिससे कि सारा की नींद खुल जाती है। और तभी सारा के घर की डोरबेल बजती है और एक औरत सारा से कहती है कि बाहर उसकी गाड़ी खराब हो गई है और उसका फ़ोन भी डेड हो गया है, उसे हेल्प बुलाने के लिए एक कॉल करना है। और वो सारा से घर के अंदर आने का कहती है, लेकिन सारा उसे ये कहकर मना कर देती है कि रात ज़्यादा हो गई है। और सारा उससे झूठ बोलती है कि उसके पति अंदर सो रहे हैं, वो कहीं और से मदद मांगे। लेकिन वो औरत सारा को उसके नाम से बुलाती है और वो कहती है कि उसे पता है कि उसका पति मर चुका है, जिसे सुनकर सारा काफ़ी डर जाती है और पूरे घर के खिड़की दरवाजे अंदर से लॉक कर लेती है। लेकिन उसे शीशे की खिड़की के दूसरी तरफ फिर वही औरत खड़ी दिखती है और वो उसे ही घूर रही थी। सारा डर के मारे पुलिस को कॉल करती है और उन्हें सारी जानकारी दे देती है और उन्हें यह भी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। फोन कट करने के बाद सारा कहती है कि कुछ ही समय में पुलिस यहाँ आ जाएगी और वो उसे डराना बंद कर दें, जिससे कि वो औरत गुस्सा हो जाती है और खिड़की के शीशे पर जोर से अपना हाथ मारती है, जिससे कि उसमें दरार आ जाती है। वहाँ काफ़ी अंधेरा होने के कारण सारा उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी, इसीलिए वो अपने कैमरे के फ्लैश की मदद से उसके फोटोज लेती है। और कुछ देर बाद वो औरत वहाँ से चली जाती है। उस औरत के वहाँ से जाने के बाद सारा उस फोटो को डेवलप करती है तो उसे उसका चेहरा ठीक से नहीं दिखता, लेकिन ये ज़रूर पता चल जाता है कि वो काले कपड़े पहने औरत उसका काफ़ी समय से पीछा कर रही है। कुछ समय बाद पुलिस सारा के घर आ जाती है और पूरा घर चेक करती है, लेकिन वहाँ उन्हें कोई नहीं दिखता। अब क्योंकि ये क्रिसमस की रात थी और शहर में दूसरी जगह भी
पुलिस को जाना था, इसीलिए पुलिस वहां से ये कहकर चली जाती है कि वो रात को पेट्रोलिंग करने उसके घर आएंगे और वो औरत शायद यहाँ से चली गई है। पुलिस के जाने के बाद सारा सोफे पर बैठकर अपने कलीग जीन को फोन पर उस औरत और उस फोटो के बारे में बताती है और हम पीछे उसी औरत को देखते हैं जो सारा को काफी देर से घूर रही थी, जिसकी सारा को बिल्कुल भी खबर नहीं थी। अब ये औरत कौन है और सारा से क्या चाहती है ये तो कोई नहीं जानता, और जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि मूवी का सारा सस्पेंस एंड में ही खुलेगा। हम देखते हैं कि सारा अपने कमरे में जाकर सो चुकी थी और वो काले कपड़े वाली औरत सारा के घर के बाथरूम से एक धारदार कैंची लाती है और सारा के कमरे में घुसकर वो कैंची की नोक को सारा के पेट की नाभि में घुसा देती है, जिससे कि उसकी नाभि से खून बहने लगता है और वो औरत सारा के ऊपर चढ़कर उसके चेहरे पर भी कैंची से कई बार वार करती है, जिससे सारा के बच्चे पर प्रेशर पड़ता है और वो अपने आप को बचाने के लिए उस औरत के सिर पर नाइट लैम्प दे मारती है और सारा अपने घायल शरीर को घसीटते हुए बाथरूम तक लाती है और बाथरूम को अंदर से लॉक कर लेती है, जिस पर वो औरत काफी गुस्सा होती है। और तभी हम देखते हैं कि जीन सारा के घर में सीधा अंदर आ जाता है क्योंकि सारा ने ही उसे अपने घर की चाबी दी थी, और जीन को घर में वो लेडी दिखती है जिससे वो समझता है कि वो शायद उसकी माँ है। फिर वो लेडी जीन से कहती है कि सारा सो चुकी है और वो लेडी जीन को ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है। हम देखते हैं कि जीन को वो फोटोग्राफ मिलता है जिसके बारे में सारा ने जीन को फोन पर बताया था, लेकिन अंधेरे की वजह से वो थोड़ा धुंधला था, और तभी वहां पर सारा की असली माँ आ जाती है और वो उन दोनों को सारा के घर पे देखकर चौंक जाती है, जिसके बाद वो सारा को ऊपर रूम में देखने चली जाती है। यहाँ नीचे जीन को समझ आ जाता है कि वो काले कपड़े वाली औरत और फोटो वाली औरत एक ही है, जिससे कि सारा को खतरा था। इधर बाथरूम में सारा को कुछ पता नहीं था कि नीचे क्या चल रहा है और वो अपने आप को बचाने के लिए बालों में लगाने वाली तेज धारदार स्टिक ले लेती है और कदमों की आवाज से उसे लगता है कि वो लेडी उसकी तरफ आ रही है, और वो उस लेडी को समझकर वो स्टिक अपनी माँ के गले में ही घुसा देती है, जिससे कि उसके गले से खून की धार निकलना शुरू हो जाती है और चारों तरफ खूनी खून फैल जाता है। जीन सीढ़ियों से ऊपर आने की कोशिश करता है और वो औरत कैंची को उसके पैर के आर पर घुसा देती है और दूसरा वार वो जीन की टांगों के बीचों बीच करती है, जहां से खून बहना शुरू हो जाता है। फिर वो उसे घसीटकर बेडरूम में ले जाती है और उसके मुंह पर तकिया रखकर कैंची से उसके चेहरे को छेदना शुरू कर देती है, जिससे कि वो मर जाता है। सारा बचने के लिए बाथरूम से बाहर आती है और तब तक वो औरत वापस सारा के पास आ जाती है, जिससे बचने के लिए सारा वापस बाथरूम में जाती है, लेकिन वो औरत उसके बाल पकड़ लेती है और सारा उसके हाथ में वो नुकीली स्टिक घुसा देती है, जिससे कि वो औरत सारा को छोड़ देती है और सारा बाथरूम को अंदर से लॉक कर लेती है। बाहर उस औरत को काफी दर्द महसूस हो रहा था और हम देखते हैं कि खराब सिचुएशन में उस औरत को सिगरेट पीने की आदत थी। सारा की पालतू बिल्ली जब उस औरत के पास से गुजरती है तो वो औरत उसे पकड़कर उसका गला मरोड़ देती है, जिससे कि वो बेजुबान बिल्ली मर जाती है। सारा को बाथरूम में काफी दर्द महसूस हो रहा था और वो बाथरूम के आईने पर अपना हाथ मारती है, जिससे वो टूट जाता है और कांच का एक टुकड़ा वो अपने बचाव के लिए उठा लेती है। बाथरूम के बाहर से वो औरत सारा से कहती है कि वो बाथरूम का दरवाजा खोल दे और वो उसके बच्चे की अच्छे से देखभाल करेगी। हम देखते हैं कि सारा के घर के बाहर पुलिस पेट्रोलिंग के लिए आती है, जिनके साथ एक लड़का अरेस्टेड था क्योंकि वो शहर में बदमाशी कर रहा था। कार से दो पुलिस ऑफिसर सारा के घर चेक करने जाते हैं और एक ऑफिसर उस लड़के के पास कार में ही रुकता है। पुलिस सारा के घर का दरवाजा नॉक करती है, जिसे सुनकर वो औरत बाथरूम का दरवाजा एक फर्नीचर से ब्लॉक कर देती है और स्वेटर बुनने वाली स्टिक को लेकर दरवाजे पर आ जाती है, जहां वो अपने आप को सारा बताती है और पुलिस को वापस जाने का कहती है। बाथरूम में सारा कांच के टुकड़े से दरवाजे में छेद बना लेती है और अपना हाथ दरवाजा खोलने के लिए बाहर निकालती है, जिसे कि वो औरत देख लेती है और सारा की हथेली में कैंची को इतनी जोर से घुसाती है कि कैंची उसके हाथ के आर पार होती हुई दीवार में घुस जाती है। और सारा के चिल्लाने की आवाज सुनकर पुलिस वापस सारा के घर आती है और उस लेडी को पकड़ लेती है
और एक पुलिस ऑफिसर सीढ़ियों से ऊपर जाता है, जहां उसे खूनी खून और सारा के हाथ में कैंची घुसी हुई दिखती है, जिसे वो पुलिस ऑफिसर निकाल देता है और सारा दर्द के मारे जोर से चिल्लाती है, जिससे नीचे पुलिस ऑफिसर का ध्यान भटकता है और वो औरत उसके चेहरे में वो स्टिक घुसा देती है और उसकी गन लेकर ऊपर आती है, जहां वो दूसरे पुलिस ऑफिसर पर उस गन से फायर करके उसे मार डालती है। बाहर कार में बैठे पुलिस ऑफिसर को गन फायर की आवाज़ आती है और वो उस लड़के को लेकर अंदर घर में जाता है, जहां पर सारा उसे खून में लथपथ मिलती है और तब तक वो औरत वहां से भाग चुकी थी। अब बाथरूम में घायल सारा, एक पुलिस ऑफिसर और एक बदमाश लड़का था जो सारा के हाथ में पट्टी बांध रहे थे, और तभी वहां की लाइट कट हो जाती है, जो कि उस औरत का ही काम था। फिर पुलिस ऑफिसर सारा को बेडरूम में जाने का कहता है और वो उस लड़के को रायट गन यानी कि आंसू गैस वाली गन जो कि दंगों में इस्तेमाल होती है उसे दे देता है और वो उस औरत को ढूंढने निकल जाते हैं। वो दोनों नीचे ड्राइंग रूम में पहुंचते हैं जहां पर पूरी तरह से अंधेरा था, और वो अपने फ्लैशलाइट की मदद से उस औरत को ढूंढते हैं। हम देखते हैं कि वो औरत उस लड़के से रायट गन ले लेती है और पुलिस ऑफिसर पर फायर कर देती है। आंसू गैस के इतनी पास से फायर होने के कारण वो ऑफिसर बेहोश हो जाता है। फिर वो औरत अपनी कैंची को उस बदमाश लड़के के सिर में घुसा देती है, जिससे कि वो भी मर जाता है। अब सारा अकेली अपने बेडरूम में अधमरी हालत में पड़ी थी, और तभी वो औरत चुपके से वहां आती है और सारा को मुंह से ऑक्सीजन देती है, जिससे कि सारा को होश आता है और वो बेड से उतरकर नीचे किचन में भाग जाती है, जहां वो औरत भी उसके पीछे पीछे किचन में आ जाती है। सारा उस औरत से कहती है कि ये सब उसके बच्चे के लिए ही है, तो वो खुद उसके बच्चे को मार देगी। लेकिन उससे पहले ही वो औरत सारा के चेहरे पर किसी चीज से जोरदार हमला करती है, जिससे कि वो जमीन पर गिर जाती है। और फिर वो औरत सारा के पास जाती है और लाइटर से सिगरेट जलाती है, लेकिन सारा पास में पड़ी स्प्रे बॉटल से लाइटर की तरफ स्प्रे करती है, जिससे कि उस औरत का चेहरा पूरी तरह से जल जाता है, और सारा खुद को मारने के लिए नुकीली स्टिक अपनी गर्दन में घुसा लेती है, जिससे कि उसका खून बहना शुरू हो जाता है। सारा अपने आप को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके अंदर से बदले की भावना आ जाती है और वो उस औरत को मारने के लिए एक रॉड उठा लेती है, जिसे देखकर वो औरत वहां से निकल जाती है। सारा अपने पैरों पर खड़े होकर बाहर जाती है और उस पुलिस ऑफिसर से मदद मांगती है, जो कि कुछ देर पहले बेहोश था, लेकिन रायट गन के हमले के कारण वो पागल हो चुका था, और वो सारा का गला पकड़कर उसके पेट में अपनी सर्विस रॉड से कई जोरदार वार करता है, जिससे कि सारा के पेट का वाटर ब्रेक हो जाता है। लेकिन वो औरत उस ऑफिसर के शरीर में रोड घुसाकर उसे मार डालती है। फिर वो सारा के पास आती है और उसे कुछ ऐसा बताती है, जिससे कि मूवी के सारे राज खुल जाते हैं। आज से 4 महीने पहले जब सारा की कार का किसी दूसरी कार से एक्सीडेंट हुआ था, तो उस कार में यही औरत थी और वो भी प्रेग्नेंट थी, कि उस एक्सीडेंट में वो औरत तो बच गई, लेकिन उसके पेट में पल रहा बच्चा मारा गया, और अब उसे सारा का बच्चा चाहिए था। फिर वो अपनी कैंची से सारा के कपड़ों को काटती है, जो कि बुरी तरीके से खून से भीगे हुए थे, और फिर वो कैंची से सारा के पेट की चमड़ी को काटकर अपने हाथों से उस बच्चे को बाहर निकाल लेती है, और सारा अपने कटे पेट को लिए वहीं पर दम तोड़ देती है। फिर वो औरत, जिसे अपने जले हुए चेहरे की कोई परवाह नहीं थी, उस बच्चे को लेकर चेयर पर बैठती है और उसे एक माँ की तरह प्यार करती है, और इसी के साथ साथ ये मूवी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो एक एक्सीडेंट में अपना पति खो देती है, और उसके जीने की उम्मीद बस उसका आने वाला बच्चा ही था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिस एक्सीडेंट में उसने अपना सब कुछ खोया है, उसी एक्सीडेंट में उस औरत ने भी अपना सब कुछ गंवा दिया, जो उस हादसे के बाद साइकोपैथ यानी कि पागल हो गई, जिसे अपने बच्चे के बदले के लिए सारा का बच्चा चाहिए था, और वो काफ़ी समय से उस पर नज़र भी रखे हुए थी। मूवी में ये तो नहीं बताया गया कि सारा का बच्चा जिंदा था या नहीं, लेकिन मुझे लगता है इतना सब सहने के बाद वो बच्चा काफ़ी पहले ही मर चुका होगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, क्योंकि और भी कई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जल्दी ही आने वाले हैं।